इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से यह सेशन सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेशन होगा और प्रैक्टिस सेशन में भी सारी चीजें मैं कवर कराऊंगा और आगे प्रैक्टिस का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होगा जिसमें कॉन्सेप्ट भी होंगे, थ्योरी भी होगा, प्रश्न भी होगा और पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों को टारगेट करेंगे और दोनों पर कंटेंट के भी प्रश्न और शिक्षण के भी प्रश्न करेंगे। तो फिलहाल आज का ये जो सेशन मैंने लिया है इसमें कुछ मिक्स टाइप के प्रश्नों को मैंने उठाया है और चूंकि पहला प्रैक्टिस पार्ट है तो इसमें प्रश्न का नेचर स्वभावतः सभी के लिए अपेक्षित है। जो व्यवहारगत प्रश्न है उनको मैंने टारगेट करते हुए प्रश्न किया है कि प्रश्न के जो स्वभावगत लक्षण नेचर है उसको समझा जाए और धीरे धीरे जैसे श्रृंखला बढ़ेगी प्रश्न का मानक भी उसी क्रम में बढ़ता चलेगा। तो चलिए आप सभी को शुभ संध्या। एक बार मैं चेक कर लूं कि सब कुछ सही है। चलिए सुषमा कुमारी और सुचिता राजेश, चलिए सब कुछ ओके है। तो देखते हैं आज का ये पहला सवाल है, सही कथन हमें सेलेक्ट करना है। चार विकल्प है, आइए सही कथन का चुनाव करते हैं। बताइएगा फिलहाल क्या होगा। लिखा है कि गणित में अवधारणात्मक ज्ञान केवल शिक्षक के लिए जरूरी है, मतलब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। गणित में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्या केवल शिक्षक के लिए जरूरी है? भाई कॉन्सेप्चुअल नॉलेज सबको जरूरी है, अध्यापक और छात्र दोनों को। हाँ, अध्यापक में कॉन्सेप्ट को व्यवहारिक बनाने की क्षमता हो ताकि बालक मूर्त तरीके से प्रत्यक्ष तरीके से अवधारणा सीखे। तो यहां पे जो लिखा है केवल शिक्षक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज केवल शिक्षक के लिए जरूरी है, बिल्कुल गलत है। बच्चे को परिभाषा याद है इसका अर्थ है कि उसे अवधारणा की समझ है, बिल्कुल नहीं। मान लिया हमें किसी पर्टिकुलर का डेफिनेशन याद है तो जरूरी नहीं कि डेफिनेशन याद होने से कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि परिभाषा बालक याद है मतलब बालक ने लर्न किया है, तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि वो कॉन्सेप्ट समझ सका है। जैसे मान लिया हमें संज्ञा की परिभाषा पता है तो इसका मतलब नहीं कि मैं संज्ञा से रिलेटेड नाउन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है। तो परिभाषा याद है तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि बालक को कॉन्सेप्ट की समझ है। गणित सीखने के लिए बच्चों को प्रक्रियात्मक ज्ञान होना ही पर्याप्त है। प्रक्रियात्मक ज्ञान को बोलते हैं प्रोसीजरल नॉलेज, इसको बोलते हैं प्रोसीजरल नॉलेज। देखिए प्रोसीजरल नॉलेज क्या होता है, इसमें प्रायः फैक्ट होते हैं और फैक्ट का हमें सीक्वेंस सिस्टम एक प्रकार से याद रखना होता है। प्रोसीजरल प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है, जैसे अध्यापक ने समझा दिया देखिए हमें इस प्रकार से हल करना है तो हम वो प्रोसेस एक प्रकार से फॉलो कर लेते हैं। तो प्रोसेस प्रोसीजरल नॉलेज एक प्रकार से हम फैक्ट पकड़ते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब तीनों गलत हो गए तो चौथा तो सही होगा ही। अवधारणा की समझ होने पर बच्चे हल करने की प्रक्रिया स्वयं ढूंढ लेते हैं, मतलब ये जो प्रक्रियात्मक ज्ञान है ये बालक स्वयं ढूंढ लेंगे बशर्ते कॉन्सेप्ट की समझ हो। यदि बालक को कॉन्सेप्ट की समझ है तो बच्चे प्रश्न का जो सोल्यूशन है उसकी प्रोसेस खुद ही ढूंढ लेंगे, प्रक्रिया खुद ही ढूंढ लेंगे कैसे करना है, प्रत्यक्ष तरीके से, मूर्त तरीके से, विश्लेषण की तरीके से, वो खुद ही ढूंढ लिया जाएगा, है ना। तो डी विकल्प हम लोगों का बिल्कुल सही सटीक उत्तर है। आइए दूसरे सवाल पर आते हैं। लिखा है गणित कक्षा में डैश पर बल होना चाहिए, मतलब गणित की कक्षा में किस पर बल होना चाहिए। ये जो रिक्त है, ये जो ब्लैंक स्पेस है, गणित की कक्षा में किस पर बल होना चाहिए, तो निश्चित रूप से जैसे मान लिया आप गणित शिक्षक हैं अपने क्लास के और आप किस पर फोकस करेंगे, किस पर बल देंगे, किस पर बल देंगे बताइए, तर्क पर, किस पर बल देंगे, तर्क पर, और
गतिविधि आधारित, गतिविधि पर, क्रिया केंद्रित, क्रिया केंद्रित तर्क पर, है ना, या क्रिया केंद्रित पर मतलब बालक करके सीख सके, इसी पर तो बल देंगे। तो गणित की कक्षा में किस पर बल होना चाहिए? तर्क पर, मतलब बालक की तर्कड़ा को विकसित किया जा सके इस पर बल होना चाहिए। बालक गतिविधि, गतिविधि पर बल दें कि बालक कोई भी चीज रहकर सीखे, मतलब उसमें इन्वॉल्व होकर सीखे, और क्रिया केंद्रित पद्धति पर बल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं गणित की कक्षा में किस पर बल होना चाहिए। केवल गणितीय, ये तो वैसे भी निगेटिव है, गणितीय प्रक्रियाएं एवं तर्क पर, काफी हद तक सही लग रहा है। गणितीय समस्या हल कर, देखिए समस्या हल करने पर बल नहीं होना चाहिए, बल्कि बल इस पर होना चाहिए कि बालक की तर्कड़ा डेवलप हो, उसके सोच का मैथमेटाइज हो सके। किस पर? बालक की सोच का गणितीकरण किया जा सके, इस पर बल होना चाहिए। सोच का गणितीकरण किया जा सके, इस पर बल होना चाहिए। तो यहां पे समस्या को हल करने पर बल नहीं होना चाहिए, बल्कि सब पर बल होगा तो बालक खुद ही समस्या का सलूशन ढूंढ लेगा अपने तरीके से, अपने तर्क के माध्यम से। मानक गणितीकरण विधियां, मानक गणितीकरण विधियां होता है एल्गोरिथम मेथड, सैद्धांतिक चीजें, ये एक तथ्य पर आधारित होता है। और कहीं भी यदि मानक कलन विधि की बात करता है तो आप ऐसे विकल्प को हमेशा गलत काटें, क्योंकि जो कलन विधि है ये एक फैक्ट है। कलन विधि का मतलब सैद्धांतिक चीजें, और जितनी भी सैद्धांतिक चीजें होती हैं ये फैक्ट पर आधारित होती हैं, कहीं ना कहीं रटना होता है जो सिद्धांत होता है। तो डेफिनेट गणित की कक्षा में किस पर बल होना चाहिए? गणितीय प्रक्रियाएं और तर्क पर, मतलब किस तरीके से पैटर्न चल रहा है, लॉजिक क्या कहता है, इस पर बल होना चाहिए। तो चलिए आते हैं, अभी जैसे जैसे क्रम बढ़ेगा थोड़े प्रश्न का मानक बढ़ाएंगे, क्योंकि आज पहला प्रैक्टिस है तो उसको मैं दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नों को आज सेलेक्ट किया है। एक बार मैं नए सिरे से, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल, पेडागोजी जो पार्ट चला है ये पेपर फर्स्ट सेकेंड दोनों पर काम करेगा। आइए देखते हैं, लिखा है गणित की प्रकृति के विषय में, गणित के नेचर के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपने जब शुरू का डेमो क्लास चला था तो मैंने गणित की प्रकृति आपको बताया है, गणित की प्रकृति के बारे में हम सभी को पता है। क्या पता है? गणित की जो प्रकृति होती है, विशेषकर अवधारणाओं की प्रकृति जो होती है, यह क्या होती है? अमूर्त होती है। और गणित की प्रकृति श्रेणीबद्ध होती है, क्रमबद्ध होती है, स्पष्ट होती है। और गणित की प्रकृति क्या होती है? तार्किक होती है, क्रमबद्ध होती है, अधिक स्पष्ट होती है। हर सामान्य बालक सीख सकता है, क्योंकि गणित जो होता है एक भाषा है और भाषा का अपना ग्रामर है। तो कहने का मतलब यह है कि गणित के प्रकृति के बारे में क्या सही नहीं, चलिए देखते हैं। लिखा है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है, मतलब मूर्त है, और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहां तक तो सही लिखा है, प्राथमिक स्तर पर गणित क्या है? प्रत्यक्ष है, मूर्त है एक प्रकार से, लेकिन कह रहा है कि कल्पना की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल है, कल्पना की बालक तो इमेजिन करता है ना, जैसे छोटे स्तर के बालक, प्राथमिक स्तर के बालक पैटर्न तो पढ़ते हैं ना, तो पैटर्न में तो ये चीज का बोध कराया जाता है कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या बनेगा। तो क्या बिना इमेजिन किए वो चीज संभव है? नहीं। ये तो कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कल्पना की आवश्यकता ही नहीं है। गणित के जो नियम सूत्र या सिद्धांत होते हैं किसी न किसी तर्क पर आधारित होते हैं, और उस तर्क की समझ विकसित करने के लिए पैटर्न की समझ होना जरूरी है। और पैटर्न बालक समझेगा तो इमेजिन तो करेगा ही, अब आगे क्या आएगा, अब आगे कैसे बनेगा। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। देखिए मैं, ये कथन तो गलत है। तो गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। मतलब विचार, गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, यह गणित का नेचर है। किसी चीज को हमें व्यक्त करना है तो विशेष चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो यही चीज ये कह रहा है,
गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, गणित के ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी नियम सूत्र सिद्धांत बनते हैं किसी न किसी तर्क पर ही आधारित होते हैं। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, क्रमबद्ध है। बिल्कुल, तो इसमें हमें गलत कथन सेलेक्ट करना है, तो बी सी डी बिल्कुल सही है, तो गलत कथन हमारा पहला विकल्प ही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या चौथे पर आ जाएं। लिखा है नीचे, ठीक है रीड कर लेंगे ना। नीचे दो पूर्व सेवा प्रशिक्षणार्थियों का गणित के अपने स्कूली अनुभव के बारे में हो रहे संवाद, मतलब संवाद का मतलब डिस्कशन, हो रहे संवाद का उल्लेख दिया गया है। देखिए प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, नीचे दो पूर्व सेवा प्रशिक्षणार्थियों का गणित के अपने स्कूली अनुभव के बारे में हो रहे डिस्कशन का उल्लेख किया गया। इसका मतलब समझ पाए, पूर्व सेवा प्रशिक्षणार्थी का मतलब पूर्व विद्यार्थी जो अब विद्यालयी जीवन में नहीं है, मतलब विद्यालयी जीवन का मतलब यह है कि अब ये विद्यालयी कक्षा अलग अलग कक्षा पास कर चुके हैं, ऐसे विद्यार्थी मतलब दो विद्यार्थी के डिस्कशन का उल्लेख किया गया है। पहला विद्यार्थी ये कहता है कि अपने विद्यालयी जीवन में मैं गणित में बहुत अच्छी थी, पर मुझे यह विषय पढ़ने में कुछ डर सा लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो भी कुछ सीखा था, मैंने जो कुछ भी सीखा था उसका बहुत कुछ मैं भूल गई हूं। देखिए दो विद्यार्थी जो पिछली कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, पूर्व सेवा प्रशिक्षार्थी है, इसमें पहला शिक्षार्थी ये कहता है कि अपने विद्यालयी जीवन में मैं गणित में बहुत अच्छी थी, पर अब मुझे यह विषय पढ़ाने में यहां पढ़ने होना चाहिए था, मैं कुछ डर सा लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी सीखा था उसका बहुत कुछ मैं भूल गई। दूसरा विद्यार्थी कहता है कि मैंने तो अपनी परीक्षा कुछ नियमों तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करके पास की है। दूसरा कहता है चलिए आप तो गणित में अच्छे थे, ज्यादातर सीखे थे, बाद में कुछ भूल गए, मैं क्या था, मैंने तो अपनी परीक्षा कुछ नियमों तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करके पास की है। ये दोनों का डिस्कशन है। अब कह रहा है कि ऊपर दिए गए डिस्कशन के बारे में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्या है। लिखा है पहला विकल्प दोनों ही अपने बचपन में गणित के प्रति बहुत लापरवाह रहे हैं। दूसरा लिखा है दोनों ने ही गणित के प्रति अपने भय को दूर किया है। और तीसरा दोनों को ही अपने बचपन में बिना समझ बनाए रट कर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। और चौथा ए मतलब जो पहला कैंडिडेट है, गणित की अच्छी या अच्छा अध्यापिका या अध्यापक बनने योग्य नहीं है, परंतु बी अच्छा अध्यापिका या अध्यापक बनने योग्य है क्योंकि उसने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया। बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। काफी लोग सी उत्तर पर जा रहे हैं, सी विकल्प पर लगातार जा रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, पहला विद्यार्थी कहता है कि मैं अपने विद्यालयी जीवन में गणित में अच्छा था या अच्छी थी, पर मुझे अब यह पढ़ाने में डर सा लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो सीखा था बहुत कुछ भूल गया। तो यहां पे छात्र को लगता है कि मैंने जो कुछ सीखा था वो ज्यादातर भूल गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने याद ही किया होगा, क्योंकि भूलता चीज वही है जो कहीं ना कहीं तथ्यात्मक हो या कहीं ना कहीं लर्न किया गया हो, सीखी गई बातें जल्दी भूलती नहीं है। तो कहने का मतलब पहला विद्यार्थी भी कहीं ना कहीं हिंट कर रहा है कि उसने कुछ हद तक चीजें याद किया हुआ था, क्योंकि जो चीजें काफी कुछ सीखा था लेकिन उसे लगता है कि मैंने जो सीखा था वो बहुत कुछ भूल गया, इसका मतलब वह कहीं ना कहीं कुछ सैद्धांतिक बातों को एक प्रकार से रटा था, क्योंकि सीखी गई बातें जल्दी भूलती नहीं है। बी तो स्पष्ट स्वीकार कर रहा है, ये तो खुद कह रहा है कि मैंने तो अपनी परीक्षा कुछ नियमों तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करके पास की है। तो कहीं ना कहीं दोनों का कनेक्शन एक प्रकार से याद करने, मतलब दोनों को ही अपने बचपन में बिना समझ बनाए रटकर सीखने के लिए कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया गया हुआ होगा। तो बिल्कुल आप लोग सही उत्तर कर रहे हैं, तीसरा विकल्प मतलब सी विकल्प बिल्कुल सही है।
बी तो बिल्कुल गलत है, लिखा दोनों ने ही गणित के प्रति अपने भय को दूर किया है। भय को दूर किया होता तो ये स्थिति होता ही नहीं। ये जो विलाप दोनों लोगों का मतलब डिस्कशन एक प्रकार से था वो सकारात्मक वे में होता। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, प्रश्न संख्या पांचवा। प्रश्न संख्या पांचवा है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गणित कक्षा की एक विशेषता है? तो आप बाल केंद्रित कक्षा के बारे में जानते हैं, मैंने जब डेमो क्लास किया था तो अध्यापक केंद्रित कक्षा और बाल केंद्रित कक्षा दोनों का एक टेबल बनवाया था और दोनों में मैंने अंतर स्पष्ट कराया था। हमने आपसे कहा था कि बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बालक केंद्र में होता है, बालक अपने व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत प्रेक्षण निरीक्षण अनुभव और गणना के आधार पर निष्कर्ष निकालता है, जबकि अध्यापक बालकों का दिशा निर्देशन करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं बालक पूरी गतिविधि में एक्टिव रहता है और छात्र दिशा निर्देशन कहते हैं। तो बाल केंद्रित कक्षा क्या है? जिसमें बाल केंद्रित कक्षा जिसमें बालक अपने व्यक्तिगत प्रेक्षण निरीक्षण अनुभव, निरीक्षण अनुभव और गणना के आधार पर निष्कर्ष निकालता है, और गणना के आधार पर निष्कर्ष निकालता है, निष्कर्ष निकालता है, जबकि अध्यापक बालकों का दिशा निर्देशन करते हैं। जबकि अध्यापक क्या करते हैं? उनका मतलब बालकों का दिशा निर्देशन करते, एक प्रकार से गाइड करते हैं, निर्देशन करते हैं। तो बस आप यह समझना कि बाल केंद्रित कक्षा है, बाल केंद्रित जिसमें बालक अपने प्रेक्षण मतलब बालक खुद व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करता है, निरीक्षण करता है, ऑब्जर्व करता है कि ये कैसे कैसे बन रहा है, खुद का अनुभव लगाता है और कैलकुलेशन के आधार पर, इन सबके आधार पर निष्कर्ष निकालता है, जबकि अध्यापक बालकों का दिशा निर्देशन करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अध्यापक पूरी गतिविधि में शामिल होता है, सॉरी बालक पूरी गतिविधि में शामिल होता है, रह के अवधारणा को सीखता है, किसके निर्देशन में? अध्यापक के। तो कहने का मतलब यहां कहीं ना कहीं दोनों एक्टिव है। तो यह बाल केंद्रित की विशेषता है, पहला विकल्प। अच्छा आपको बताना है कौन सी बाल केंद्रित गणित कक्षा की प्रमुख विशेषता है। पहला है शिक्षक आयत के क्षेत्रफल पर एक गतिविधि का प्रदर्शन कर रहा है और उस दौरान विद्यार्थी उसे शांति से सुन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पे अध्यापक एक्टिव है और छात्र पैसिव लर्नर है, शांत श्रोता है। क्योंकि बालक क्या करे, विद्यार्थी शांति से सुन रहे हैं, इसका मतलब विद्यार्थी पैसिव लर्नर है, शांत श्रोता है और अध्यापक एक्टिव है। क्योंकि अध्यापक गतिविधि आयत के क्षेत्रफल पर एक गतिविधि कर रहा है तो अध्यापक एक्टिव है और छात्र एक प्रकार से पैसिव लर्नर है। तो यह अध्यापक केंद्रित कक्षा है, यह बाल केंद्रित कक्षा नहीं है। दूसरा है शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की मूर्त सामग्री मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट साकार वस्तु और हस्त कौशल सामग्री लाता है ताकि वे उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषण के लिए कर सकें। ये ठीक है क्योंकि अध्यापक क्या करता है, अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए अलग अलग प्रकार के फिजिकल ऑब्जेक्ट लाता है, हस्त कौशल रोल ऑफ मैनिपुलेटिव्स जोड़ तोड़ की भूमिका जिसको कहते हैं, ताकि बालक उनका प्रयोग, जो ऑब्जेक्ट अध्यापक लाते हैं उनका प्रयोग शिक्षार्थी जो है संख्याओं में विभिन्न खोज के लिए कर सकें। तो चूंकि शिक्षार्थी संख्याओं के विभिन्न अन्वेषण में लग रहे हैं और अध्यापक बालकों के सहायता में है, क्योंकि अध्यापक बालकों के लिए विभिन्न प्रकार की मूर्त सामग्री लाता है, तो यही है बाल केंद्रित कक्षा। और शिक्षक कक्षा में पहाड़ों का उच्चारण कर रहे हैं और विद्यार्थी उनको एक स्वर में दोहरा रहे हैं, यह बाल केंद्रित कक्षा नहीं है। शिक्षक सैंपट पर आदर्श समस्या हल करता है, विद्यार्थी उस पर आधारित पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न हल कर रहे हैं मतलब उन्हें फॉलो कर रहे हैं, यह भी जो है बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण नहीं है। आइए आते हैं प्रश्न संख्या छठवें पर।
चलिए उत्तर करिएगा। फास्ट क्या करें, विकल्प उत्तर टिक करते चलें, विकल्प लगाते चलें। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षक से अपेक्षित है क्या, गणित शिक्षक से क्या अपेक्षाएं हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार। पहला लिखा है, गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करें। काफी हद तक सही लग रहा है, कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षक से क्या अपेक्षाएं हैं। तो देखिए, गणित शिक्षक से क्या अपेक्षाएं हैं कि कक्षा में जो मेधावी छात्र हैं उनको उनके स्तर के अनुरूप समस्याएं दी जाए ताकि बालक उन समस्याओं के निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करें, और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों की सहभागिता हो। मतलब ऐसा नहीं कि केवल मेधावी छात्र पर ही फोकस करें बाकी को भूल जाए। तो यह अपेक्षित है एनसीएफ 2005 के अनुसार एक अच्छे शिक्षक से कि वह कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करें, और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों की सहभागिता हो। तो ये तो काफी हद तक मुझे तो लग रहा है 100% यही सही जाएगा। अच्छा, दूसरा लिखा है, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करना। तो यह गणित शिक्षक से अपेक्षित नहीं कि पाठ्य पुस्तक से सभी प्रश्नों को हल करना बालक सीख ले, बस यही चीज नहीं। प्रश्नों के ड्रिल और अभ्यास में विद्यार्थियों को संलग्न रखते हुए गणित में परिणामों को सुधारना, बस हो गया, इससे बेहतर तो कुछ मिलने वाला है नहीं। ये तो लिखा है प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहला ही आपका बिल्कुल सही सटीक है। अच्छा, ये डेमो नहीं है, वो प्रैक्टिस क्लास है ये। आइए देखते हैं, सातवें प्रश्न का उत्तर करिएगा। कुछ ज्यादा छोटा लिखा है क्या, आप पढ़ पा रहे हैं? सही है, ठीक है। ठीक है, लिखा है प्रायः यह देखा गया है, मैं साइड में हूं प्रश्न पढ़ रहा हूं ताकि आप लोग भी प्रश्न पूरा पढ़ सकें। प्रायः यह देखा गया है कि जब प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को इबारती सवाल, इबारती सवाल का मतलब वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, मतलब शाब्दिक समस्या के प्रश्न। तो इबारती सवाल का मतलब समझ पाए हैं, शाब्दिक समस्या के प्रश्न जिसमें शब्दों में समस्याएं लिखी गई होती। प्रायः शिक्षार्थी या हम लोग भी जब एकेडमिक क्लास में थे तो देखिए, सीधा जो संख्या संक्रिया पर आधारित सवाल होते थे तो लगा लिया जाता था, जैसे संख्या संक्रिया पर भाग है गुणा है लगा लिया जाता था। लेकिन जब वही सवाल शब्दों पर फ्रेम करके देता था तो उसमें क्या होती थी, दिक्कत होती थी। तो यही कहना चाह रहा है कि प्रायः यह देखा गया है कि जब प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों को शाब्दिक समस्या के प्रश्न को हल करने के लिए दिए जाते हैं तो अधिकांशतः बच्चे कहते हैं कि यदि आप हमें यह बताएंगे कि सवाल में कौन सी संक्रिया अपेक्षित है तो हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। मतलब छात्र ये कहता है, शाब्दिक समस्या के प्रश्न को जब हल करने के लिए छात्र को दिया जाता है तो प्रायः आपने देखा होगा विद्यार्थी कहते हैं कि अच्छा आप बताइए कि इसमें हमें करना क्या है, कौन सी गणितीय संक्रिया लगाना है, आप हिंट दे दीजिए कि मैं भाग करूं कि गुणा करूं, यदि आप हमें ये बता देते हैं तो मैं सवाल को हल कर लूंगा। मतलब कहीं ना कहीं बालक संख्या संक्रिया के प्रश्नों को तो हल कर ले रहा है लेकिन शाब्दिक समस्या के प्रश्न में उसे दिक्कत है क्योंकि वह सही चुनाव नहीं कर पा रहा है कि उसे जोड़ना है कि घटाना है, भाग करना है कि गुणा। वह प्रायः पूछता है कि आप बताएंगे तो मैं कर लूंगा। तो इसका कारण क्या है, इस स्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रीजन क्या है। पहला विकल्प लिखा है कि बच्चों को गणितीय भाषा बहुत तकनीकी लगती है जिसको उनके दिन प्रतिदिन के जीवन की भाषा के माध्यम से सुदृढ़ नहीं किया गया या नहीं किया जाता। दूसरा लिखा है कि आमतौर पर जो शाब्दिक सवाल हैं यह प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों द्वारा हल करने के लिए बहुत ही कठिन होते हैं। तीसरा लिखा है सामान्यतः बच्चे
शाब्दिक सवाल को हल करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं, और चौथा जो बच्चे अंग्रेजी भाषा में कमजोर हैं केवल उन्हीं बच्चों को भारतीय सवाल हल करने में इस तरह की कठिनाई होती है। तो चलिए बताइए क्या करेंगे, हम किस विकल्प पर आप लोग जा रहे हैं बताइए। ए काफी लोग, हाँ चलिए मैं साइड में हूं, हाँ कभी कभी मैं पढ़ते पढ़ते भूल जाता हूं उधर आ जाता हूं, तो चलिए आप बताइए। काफी लोग ए विकल्प पर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही विकल्प पर आप सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जब बच्चों को शाब्दिक समस्या के प्रश्न को हल करने के लिए दिया जाता है तो अधिकांशतः बालक ये कहते हैं अच्छा आप हमें हिंट कर दीजिए कि क्या करना, जोड़ना घटाना गुणा भाग, आप हमें संक्रिया बता दीजिए। यदि आप हमें बताएंगे कि सवाल में कौन सी संक्रिया मतलब चार गणितीय संक्रिया मुख्य रूप से होती है, जोड़ घटाना गुणा भाग, तो बालक कहता कि आप मुझे बता दीजिए करना क्या है तब हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। मतलब वह संख्या संक्रिया पर आधारित प्रश्न हल कर सकता है लेकिन शाब्दिक समस्या के प्रश्न में दिक्कत है। क्यों? इसका रीजन यह हो सकता है कि उसे कहीं ना कहीं शाब्दिक समस्या वाली भाषा उसको टेक्निकल टाइप की लगती है, तकनीकी लगती है, वह उसमें एक प्रकार से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। और कहीं ना कहीं इसका एक कारण यह भी होता है कि बालक को दिन प्रतिदिन के अनुभव से जोड़कर गणित न पढ़ाया गया हो, क्योंकि यदि बालक को दिन प्रतिदिन से कनेक्ट करके गणित को पढ़ाया जाए तो प्रायः वह शब्दों का चयन या शाब्दिक बातों को वह सीख और समझ लेता है और धारणाएं उस पर अप्लाई कर लेता है, संक्रियाएं अप्लाई कर लेता है। तो इसका बिल्कुल सबसे सटीक जवाब आप लोग दे रहे हैं, पहला ही सही है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या आठवें पर, ये कमजोर टाइप सा प्रश्न लग रहा है, किसे ही है बताइए। लिखा है गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, इसका मतलब समझ पाए। गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, बंद सिरे वाले प्रश्न या क्या होगा, मानक कलन विधि। देखिए एक चीज समझ बिल्कुल है, हम चूंकि आप लोगों ने खुलांत और बंद अंत पढ़ा भी है तो बालकों में विवेचन और तार्किक चिंतन लॉजिकल स्किल बालकों की डेवलप हो सके इसके लिए सबसे जरूरी चीज होता है क्या, सबसे जरूरी चीज होता है कि बालक को खुली समझ का बनाना, खुली समझ बनाना, साथ ही साथ बालकों में एक प्रकार से क्रिटिकल थॉट को डेवलप करना, को विकसित करना, क्रिटिकल थॉट को विकसित करना। देखिए यदि इसको कहते हैं ना क्रिटिकल थॉट को डेवलप करना का मतलब समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना। देखिए सिंपल सी बात है, बालकों में विवेचन करने की क्षमता और तार्किक चिंतन विकसित होगी यदि हम बालक को खुली समझ बनाएंगे। मतलब उसके सामने ऐसी समस्याएं रखें जिसमें वह अनेक तरीके से अलग अलग माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचे, तभी बालक में लॉजिकल स्किल डेवलप होती है, उसमें विवेचना का जो स्किल है डेवलप होता है। विवेचना का मतलब इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसका अर्थ होता है कि किसी भाग को देखकर उसके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी देना। तो यह तभी संभव है जब बालक खुली समझ का बनेगा, उसमें क्रिटिकल थॉट को विकसित करेंगे तब ये चीजें जो है बनकर आती है। तो प्रश्न कह रहा कि कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, बंद सिरे वाले प्रश्न ही, क्योंकि बंद सिरे वाले प्रश्न वे होते हैं जिनका केवल एक उत्तर होता है, ऐसे प्रश्न फैक्ट पर आधारित होते हैं और फैक्ट पर आधारित होंगे तो कहीं ना कहीं यह रटने पर बल देगा, तो बालकों में विवेचन और तार्किक योग्यताएं उतनी डेवलप नहीं हो पाएंगी। मानक कलन विधि का उपयोग, इसमें भी कहीं ना कहीं बालक तथ्यों को धारणाओं को याद करता है क्योंकि इसको एल्गोरिथम मेथड कहते हैं और एल्गोरिथम मेथड सैद्धांतिक चीजें होती है, इसमें याद करना होता है। सूत्रों तथ्यों और पहाड़ों का स्मरण करना, यह भी वही बात कह रहा है याद करने पर। तो निश्चित रूप से खुले सिरे वाले मुक्तोत्तर प्रश्नों का उपयोग, ओपन इंडेड क्वेश्चन का। आते हैं प्रश्न संख्या नौवें पर,
चलिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर करिएगा। देखिए आपके पास दो कॉलम है, कॉलम पहला है कॉलम दूसरा है। 7/12 का तुल्य भिन्न क्या है? तुल्य भिन्न मतलब होता है तुलना में के समान। तुल्य भिन्न का मतलब होता है, तुल्य भिन्न का मतलब होता है तुलना में के समान, मतलब कौन किसके बराबर है, यह तुल्य भिन्न है, तुलना में के समान। अच्छा उचित भिन्न अनुचित भिन्न, देखिए उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न वह होता है जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, जिसमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो। जैसे उदाहरण के लिए 2/7, 5/11, अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश क्या हो, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो। और अनुचित भिन्न क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा, अनुचित भिन्न वह होता है जिसमें अंश बड़ा हो हर से, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब जैसे 11/5 है, 13/4 है, ये अनुचित भिन्न है। तो चलिए अब देखते हैं 7/12 का तुल्य भिन्न, कह रहा है कि 7/12 के बराबर का भिन्न क्या है? 7/12 का तुल्य मतलब तुलना में के समान, तो 7/12 का भिन्न इसमें क्या है बताइए? 7/12, अच्छा ये कट होगा, हाँ 3 से कट होगा। देखिए 3 × 7 = 21 और 3 × 12 = 36, देखिए ये 21/36 है ना, तो इसका मतलब ये है कि 7/12 का तुल्य भिन्न क्या है। अच्छा मैं नंबरिंग कर लेता हूं ताकि ABCD है ना, तो A का क्या बनेगा? 3। 7/12 का तुल्य भिन्न क्या है? 21/36। 9/15 का तुल्य भिन्न क्या है? तो 9/15, अच्छा 9/15 है ना, तो 9/15 को यदि कट करें, 3 से कट रहा है, 3 × 9 और 3 × 5 = 15, तो 9/15 का तुल्य भिन्न क्या है? 3/5 है बेशक, तो बी का क्या होगा? 4। 7/11 कैसा भिन्न है? 7/11 उचित भिन्न है, मतलब सी का पहला होगा। अब निश्चित रूप से 19/5 क्या है? 19/5 जो है अनुचित भिन्न है। तो 34/12 का कॉम्बिनेशन हम लोगों का बी विकल्प में बन रहा है, 34/12 का कॉम्बिनेशन बी विकल्प है। और काफी देर से आप सभी के उत्तर आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा, बी बिल्कुल सही है। विनोद प्रसाद साहू और ब्रजेश शिवानीपाल प्रभात श्रीवास्तव विवेक, चलिए ठीक है। मानक कलन विधि का मतलब होता है स्टैंडर्ड एल्गोरिथम मेथड, इसका हिंदी सिंपल हिंदी समझे तो मानक कलन विधि को कहते हैं सैद्धांतिक तथ्य। मानक कलन विधि का मतलब यह है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि समचतुर्भुज में भुजा के वर्ग का 4 गुना दोनों विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है, मतलब मैंने आपको एक सिद्धांत दे दिया, समचतुर्भुज में 4a² = d1² + d2² मतलब समचतुर्भुज में भुजा के वर्ग का 4 गुना दोनों विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो यह मानक कलन विधि है, स्टैंडर्ड एल्गोरिथम मेथड। इसमें सैद्धांतिक चीजें होती है, इसमें कहीं ना कहीं रटना होता है। तो आइए आगे आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। यहां भी दो कॉलम है, यहां भी दो कॉलम है, कॉलम पहला है कॉलम दूसरा है। तो चलिए बताइए मिलान करना है आपको, भ्रांति है, प्रदर्शन है, अनुमान है, तुलना है। तो भ्रांति इसमें कौन बता रहा है, इसमें प्रदर्शन कौन बता रहा है, अनुमान क्या कौन बता रहा है, तुलना कौन बता रहा है, चलिए देखते हैं। चलिए ABCD बना लेते हैं यहां भी। भ्रांति को इंग्लिश में हम बोलते हैं डायलेमा, भ्रम की स्थिति, स्पेलिंग कंफर्म नहीं है, डायलेमा यही होता है ना, भ्रम की स्थिति। तो चलिए देखते हैं भ्रांति किसमें है, क्या शिक्षार्थी को, देखिए भ्रांति कौन, ये 4, 5 से छोटा है, ये तो कंपेयर में आएगा, तुलना में, ये 4, 5 से छोटा है, ये तो तुलना में आएगा, तो तुलना मतलब डी का कौन बनेगा, डी का तो 2 बनेगा। चलिए जो स्पष्ट मिलता जाए मिलान कर लीजिएगा, डी का 2।
भ्रांति का मतलब, अच्छा 2/3 + 3/4 बराबर, हाँ ये भ्रांति है। देखिए बालक ने क्या किया, जैसे हमने छोटे स्तर के बालक है और हमने उसे एक सवाल दिया कि 2/3 + 3/4 क्या होगा, तो मैंने बालक से कहा 2/3 + 3/4 क्या होगा, तो उसने क्या किया 2 और 3 जोड़ लिया 5 और 3 और 4 जोड़ लिया 7। तो कहीं ना कहीं बालक क्या कर रहा है, एडिंग फ्रैक्शन एज अ होल नंबर, बालक भिन्न को एक पूर्ण संख्या के रूप में जोड़ रहा है, क्योंकि क्योंकि उसे भिन्न की समझ ही नहीं, वो तो इसे पूर्ण संख्या के रूप में जोड़ लेता है, अंश अंश में जोड़ देता है, हर हर में जोड़ देता है, मतलब वो भ्रम में है, वो भिन्न की समझ और पूर्ण पूर्णांक संख्याओं का जोड़, इसमें बालक कंफ्यूज है। तो यहां पे जो भ्रम है ये ए का 3 बनेगा, भ्रांति है, डायलेमा है, बालक भ्रम की स्थिति में, तो ए का क्या बनेगा 3। तो शुरुआत 3 और खत्म 2 कहां पे है पहले में ही है, हालांकि देखिए जवाब अब आपको मिल चुका, देखिए शुरुआत 3 पर और खत्म 2 पर, तो अच्छा देखिए शुरुआत 3 से, तो ये तो 2 ऑप्शन गलत चला गया, शुरुआत 3 और खत्म 2, चलिए मैं अभी वापस आता हूं, उत्तर तो आपको मिल चुका है लेकिन बाकी भी चीजें देखिए। अब देखिए प्रदर्शन, प्रदर्शन कौन है, अच्छा प्रदर्शन 48 × 52 = 2500, ये प्रदर्शन नहीं है, प्रदर्शन ये है, देखिए संख्या रेखा है, अच्छा ये 0 है और 1 है और दोनों के मध्य में 1/2 है, और 0 और 1 के बीच में 1/2 है, इसका मतलब छात्र ने प्रदर्शन किया है कि आधा कहां है, जैसे बालक से पूछा आधा कहां है, तो ये संख्या रेखा पर 0 है, आगे 1 है, फिर आगे 2 है, फिर आगे 3 है, तो बालक बताता है कि 1/2 कहां पे है, सॉरी 1/2 कहां पे है, तो बालक ये बताता है 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में 1/2 है, यह प्रदर्शन है, बालक ने इसको रिप्रेजेंट किया है, व्यक्त किया है संख्या रेखा पर, तो प्रदर्शन यहां पे बी का 1 है, बी का क्या है 1, चूंकि बालक ने इसको प्रदर्शित किया है, और अनुमान 48 × 52, अच्छा देखा जाए ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि 50 × 50 होता तो 2500 होता, तो बालक ने गेस किया है, एक तर्क लगाया है, एक अनुमान लगाया है, अप्रोक्सीमेट लिया है, बालक ने क्या किया है कि जैसे यहां 48 है तो 50 के नजदीक ले लिया, यहां 52 है इसको भी 50 ले लिया, मतलब ये जो 2 कम था इसको 2 बढ़ा के ले लिया, जो दो बढ़ा हुआ था उसको 2 कम में ले लिया, मतलब इसको अप्रॉक्स 50 ले लिया, इसको भी अप्रॉक्स 50, तो 50 × 50 = 2500 बताया, तो ये बालक ने कहीं ना कहीं अनुमान लगाया है, कहीं ना कहीं बालक ने क्या किया तर्क लगाया है, गेस किया है, हालांकि ये सही जवाब नहीं है, 48 × 52 में गुणा करेंगे तो इकाई 6 आएगा, लेकिन बालक ने क्या किया है अनुमान लगाया है, गेस लगाया है कि 2500 के नजदीक होगा, तो निसंदेह 31-42 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 31-42 का कॉम्बिनेशन हम लोगों का पहला ही आएगा। हाँ बिल्कुल बहुत सही सटीक है आप सभी का। हाँ ठीक है ना, मेघा सिंह, प्रभात श्रीवास्तव, प्रियंका प्रजापति, मनीता कुमारी, आगे बढ़ लें। चलिए प्राथमिक कक्षा के गणित शिक्षक श्री राणा ने अपने विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछा, क्या पूछा, 5 सैकड़े में से 5 दहाइयां घटाएं, तो एक विद्यार्थी ने तत्परता से उत्तर दिया 0, तत्परता मतलब त्वरित तुरंत, जैसे अध्यापक ने कहा, एक गणित शिक्षक है श्री राणा अपने विद्यार्थियों से कहते हैं कि 5 दहाई में से 5 इकाई घटाइए, सॉरी 5 सैकड़े में से 5 दहाई घटाइए, 5 सैकड़े का मतलब 500 क्या हुआ 500, और 5 दहाई का मतलब हुआ 5 दहाई मतलब 50, तो अध्यापक पूछना चाह रहे हैं कि 5 सैकड़े में से 5 दहाई घटाइए, तो उनका कहने का मतलब था 500 में 50 घटाइए, लेकिन एक शिक्षार्थी एक विद्यार्थी ने त्वरित उत्तर दिया कि 0 होगा, तो निम्नलिखित में से कौन सी दी गई स्थिति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है, ये 1 है, ये 2 है, मतलब पूरा विकल्प नहीं है, चलिए मैं
अर्थ समझाता हूं। पहला इसमें लिखा है शिक्षक ने कक्षा के समक्ष गलत तरीके से प्रश्न प्रस्तुत किया। शिक्षक ने गलत प्रश्न ही पूछा है। शिक्षक ने कहा पांच सैकड़े में से पांच दहाई घटाइए। शिक्षक यह जानना चाह रहा था कि बालकों की समझ फेस वैल्यू को लेकर क्या है, स्थानीय मान को लेकर क्या है। अध्यापक की तो पूछने का मंशा यह था, पूछने का तात्पर्य यह था कि बालक प्लेस वैल्यू से कितना परिचित है। तो इसलिए 500 में 50 घटाने के बजाय अध्यापक ने पूछा कि 5 सैकड़े में 5 दहाइयां घटाइए कितना है, और छात्र समझ लिया 5 में से 5 घटा तो उसने 0 बता दिया। तो अध्यापक प्रश्न गलत नहीं पूछा है, शिक्षक को ऐसी 10 और समस्याएं अभ्यास के रूप में देनी चाहिए। देखिए अध्यापक और अभ्यास के लिए प्रश्न दे, इसके लिए तो पहले तो उसे कॉन्सेप्ट सिखाना होगा ना कि पांच सैकड़े का मतलब क्या है, पांच ढाई का मतलब क्या है, तब तो और अभ्यास दे। चूंकि बालक तो अभी समझ ही नहीं पाया, बालक तो यह समझ रहा है कि पांच में से पांच के जीरो बचा। तो कुल मिला के यहां पे विकल्प ऐसा कुछ होना चाहिए कि बालक स्थानीय मान की धारणा को समझ नहीं सका है, तो कुछ अधूरा सा रह गया। अच्छा बस यहीं तक है, चलिए फिर आज मैं इतना ही रखता हूं। कल से प्रश्न की संख्या भी बढ़ाए रखेंगे और प्रश्न का मानक भी धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि आज पहला प्रैक्टिस सेशन था। फिर भी कुछ मैंने सवाल अच्छे लिए और कुछ व्यवहारिक प्रश्न लिया, तो आगे जो प्रैक्टिस कॉम्बिनेशन चलेगा उसमें थ्योरी भी आपको देंगे, थ्योरी के साथ प्रश्न भी कराएंगे और कंटेंट पार्ट पर भी डिस्कशन होगी। तो आज सेशन थोड़ा शॉर्ट छोटा ही रख रहे हैं। मुलाकात आपसे करते हैं कल के क्लास में, आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।